हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे जनकपुर के स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल एनए का केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 16, यानी दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा रसायन विज्ञान का भाग नंबर 16। इससे पहले दोस्तों आपको 15 भाग कराए जा चुके हैं जहाँ पर आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा। यदि आपने पिछले वाले भागों को ना देखा हो दोस्तों तो आप जरूर देख लें ताकि आपके यहाँ तक के सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएं। और लगातार जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों आप सारे क्वेश्चनों को लगातार नोट करते रहेंगे ताकि एग्जाम आने पर आराम से आप क्वेश्चन को कर पाएं। तो देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन आपको देखता है दोस्तों, जब सिल्वर को लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो इस पर क्या होता है, यानी आपको बताना है व्हेन सिल्वर इज एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम देन इट्स अपीयर्स। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आप सिल्वर को लंबे समय तक एयर में ओपन छोड़ देंगे या फिर आप कहें दोस्तों एक्सपोज रखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, इसके ऊपर दोस्तों एक ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाती है, यानी कि आप कहेंगे ब्लैकिश टेन अपियर, यानी दोस्तों यहाँ पर एक प्रकार की काली चादर इसके ऊपर चढ़ जाती है। एक काली चादर क्यों चढ़ती है दोस्तों, यहाँ पर जो सिल्वर होता है वो रिएक्शन कर लेता है वायु में, जो प्रेजेंस होती है एक प्रकार से H2SO3 की, यानी कि आप इसको कहते हैं सल्फोनिक एसिड होता है दोस्तों, जो कि रिएक्शन कर लेता है सिल्वर के साथ में और यहाँ पर बनता है आपका Ag2SO3, यानी कि सिल्वर सल्फाइड बनता है। तो जो आपका ये काला कलर होता है ये आपका सिल्वर सल्फाइड का होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए काला कलर किसका होता है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे सिल्वर सल्फाइड का होता है, तो ऑप्शन नंबर आप टिक कर देंगे ए वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में कौन कॉपर का मिश्रण नहीं है, यानी आपको बताना है विच वन इज नॉट एन एलॉय ऑफ कॉपर। यदि आप बात करें दोस्तों कॉपर के एलॉय की, कॉपर एलॉय जो होते हैं, यहाँ पर पहला आपको दिया ब्रोंज, ब्रोंज यानी कि दोस्तों कांसा जो होता है इससे मिलके बना होता है, यहाँ पर मेनली होता है आपका कॉपर और टिन। नेक्स्ट वाला आपको दिया ब्रास, यानी कि पीतल आपको दिया है और पीतल में आप जानते हैं दोस्तों कॉपर और क्या होता है, जिंक होता है। वैसे आपको नेक्स्ट वाला दिया है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में क्या होता है दोस्तों, इसमें यहाँ पर होता है कॉपर और यहाँ पर होता है जिंक और यहाँ पर होता है निकल। नेक्स्ट आपको दिखता है दोस्तों स्टेनलेस स्टील, यदि आप यहाँ पर देखें स्टेनलेस स्टील में देखें दोस्तों मेनली कार्बन और आयरन होते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं ये आपका दोस्तों एक प्रकार से कॉपर का एलॉय नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर आप डी वाले में टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है, यानी आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर आप कथनों को पढ़ेंगे, पहला कथन आपको दिया दोस्तों वाटर इज मोर डेंस देन आइस, यानी कि जल बर्फ से अधिक सघन होता है। नेक्स्ट आपको दिया आइस इज मोर डेंस देन वाटर, यानी बर्फ जल से अधिक सघन होती है। नेक्स्ट आपको दिया वाटर टू आइस इज अ केमिकल चेंज, यानी जल से बर्फ बनना रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट आपको दिया वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मोर देन आइस। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो पहला वाला कथन आपको दिया है वाटर इज मोर डेंस देन आइस, ये आपका दोस्तों राइट है। जो वाटर होता है यानी जो जल होता है दोस्तों मोर डेंस होता है, मोर डेंस होता है यानी कि ज़्यादा सघन होता है एज कम्पेयर टू आइस के, देन आइस आप कह देंगे, यानी बर्फ से दोस्तों जो जल का घनत्व तो होता है वो ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है आपको मालूम होगा, जब यहाँ पे दोस्तों वाटर फ्रीज होता है यानी कि जमता है, तो ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ पे एक प्रकार से यह दोस्तों क्रिस्टलाइन फॉर्म में आने पर बना लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है दोस्तों। और इससे क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं यानी कि जो H2 मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने वाले जो बंध होते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वो दोस्तों एक दूसरे को क्या करते हैं, पुश करते हैं, यानी एक प्रकार से एक दूसरे को दोस्तों धकेले रहते हैं, और उससे क्या होता है बीच में जो क्रिस्टल बनता है उसके बीच में दोस्तों काफ़ी गैपिंग होती है, यानी आपको बाहर से जुड़ा हुआ दिखता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होता है, लेकिन वहाँ पर बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ पर इसीलिए कहेंगे आप जो आइस होती है दोस्तों वो कम डेंसिटी होता है एज कम्पेयर टू वाटर, यानी यहाँ पर जो जल होगा दोस्तों उसका ज़्यादा घनत्व होता है बर्फ की तुलना में। और नेक्स्ट वाला जो आपको दिया है आइस इज मोर डेंस देन वाटर, ये आपका गलत होगा। और यहाँ पर आपको यहाँ पर जो थर्ड वाला दिया दोस्तों वाटर टू आइस जो होता है एक प्रकार का फिजिकल चेंज होता है, यानी आप देखेंगे यदि आप देखें आइस से वाटर या फिर आप कहें दोस्तों वाटर से जो आइस बनती है ये कैसा चेंज होगा दोस्तों, ये यह एक प्रकार से फिजिकल चेंज होगा।
क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कोई नया सब्सटेंस तो बनता है नहीं, केवल दोस्तों यहाँ पर जल की यानी वाटर की दोस्तों फिजिकलिटी में चेंज होता है, यानी उसके भौतिक अवस्था में चेंज होता है। लिक्विड से आप देखते हैं सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको आप कहते हैं दोस्तों फिजिकल चेंज। वैसे यहाँ पर आपको वॉल्यूम के केस में दिया है, वॉल्यूम वाला भी पूछा जाता है। यदि आप देखें दोस्तों, आपने देखा जो वाटर है, वाटर मोर डेंसिटी है एज कम्पेयर टू आइस, यानी कि जो वाटर की डेंसिटी होगी यानी घनत्व होगा वो ज़्यादा है आइस की डेंसिटी से। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आइस की जो डेंसिटी यदि कम है तो यहाँ पर आइस का वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर देन वाटर। क्यों होता है दोस्तों ऐसा? क्योंकि आप जानते हैं जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी यानी घनत्व बराबर होता है दोस्तों मास अपॉन वॉल्यूम, यानी यहाँ से आप देखते हैं जो घनत्व होता है बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, यानी द्रव्यमान यदि आप दोस्तों डेंसिटी को बढ़ा देंगे तो आयतन कम हो जाएगा, यदि आप आयतन को कम करेंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों, ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं या फिर आप कहें इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, वॉल्यूम आइस का ज़्यादा होगा लेकिन जो डेंसिटी होगी वाटर की ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ताप बढ़ने के साथ द्रवों की शांतता, यानी आपको बताना है द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। यदि आप तापमान को बढ़ाएं दोस्तों, विस्कोसिटी को पहले आप समझ लेंगे, यानी जो शांतता होती है, शांतता दोस्तों एक प्रकार से लिक्विड और एंड गैसेस की प्रॉपर्टी होती है, या फिर आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है यानी यांत्रिक गुण होता है। इसके तहत क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा यदि आप बात करें एक जल प्रवाह की, यानी आप रिवर की बात करें दोस्तों, नदी की बात करें, तो आपने वहाँ पे देखा होगा जो ऊपरी लेयर होती है दोस्तों नीचे वाली लेयरों के कंपैरिजन में ज़्यादा गति से गति करती है, यानी कि उनकी वेलोसिटी आप देखेंगे तो ऊपर वालों की दोस्तों नीचे वालों की तुलना में ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखते हैं लगातार जो लिक्विड है यानी जो तरल है दोस्तों, या फिर आप कहें जो वाटर यहाँ पर नदी में आप देखते हैं वाटर है, उसकी लेयरें एक दूसरे पे क्या करती हैं, एक प्रकार का फ्रिक्शन लगाती हैं यानी घर्षण लगाती हैं, और घर्षण के कारण क्या होता है दोस्तों, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर फिसलती है यानी स्लिप करती है, और ऐसे में थोड़ा सा जो घर्षण होगा फ्रिक्शन होगा नीचे वाली लेयर के द्वारा ऊपर वाली लेयर पर लगेगा, उससे क्या होगा दोस्तों गति का विरोध होगा यानी उसके मूवमेंट में प्रभाव पड़ेगा और धीरे धीरे नीचे की ओर इनकी गति कम होती रहती है और नीचे आप जाएंगे दोस्तों बिल्कुल स्थिर रहता है, यानी वेलोसिटी लगभग आपकी जीरो होती है नीचे में। तो इसका रीजन क्या होता है दोस्तों, लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसी के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पर आप एक प्रकार से कह देंगे जो फ्रिक्शन होता है दोस्तों वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है विस्कोसिटी यानी शांतता कहलाता है। ऐसा दोस्तों लिक्विड और गैसेज दोनों में ही होता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे दोस्तों तो इससे क्या होगा, इससे दोस्तों इनकी काइनेटिक बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी यानी जो गतिज ऊर्जा है बढ़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं जब आप गर्म करते हैं लिक्विड को तो ये दोस्तों फैलता है, एक्सपेंड करता है, और फैलने से काइनेटिक बढ़ेगी, और काइनेटिक बढ़ने से क्या होगा दोस्तों, शांतता का मान यानी कि जो विस्कोसिटी है उसका मान दोस्तों कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों टेम्परेचर बढ़ने के साथ में लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है कम हो जाती है। इसको आप बहुत ही आराम से देख सकते हैं दोस्तों, यदि आप ऑयल को देखें और यदि आप दोस्तों वाटर को देखें तो वहाँ पर आप देखेंगे ऑयल की दोस्तों ज़्यादा विस्कोसिटी होती है एज कम्पेयर टू वाटर, और यदि आप गर्म करेंगे दोस्तों तो ज़्यादा तरल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, करेक्टली मैच द फॉलोइंग, यानी नीचे वालों को आपको करेक्टली मैच करना है। पहला आपको दिया है रेक्टिफाइड स्प्रेड। रेक्टिफाइड स्प्रेड क्या होती है दोस्तों, रेक्टिफाइड स्प्रेड आपको दिया है, ये दोस्तों यहाँ पर होती है एल्कोहल या फिर आपके हैं एथेनॉल और प्लस दोस्तों वाटर, यानी कि आप एथेनॉल में या फिर आपके हैं एथिल एल्कोहल जो आपका होता है C2H5OH, यदि आप दोस्तों यहाँ पर वाटर को मिलाएं तो ये क्या कहलाता है, ये आपका रेक्टिफाइड स्प्रिट कहलाता है। नेक्स्ट आपको दिया एब्सोल्यूट एल्कोहल, जो एब्सोल्यूट एल्कोहल होता है दोस्तों ये आपका होता है 100% जो प्योर वाला एथेनॉल होता है या फिर आपका एथिल एल्कोहल होता है, तो एथेनॉल को आप दोस्तों जो ये आपका प्योर फॉर्म में होता है इसी को आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं दोस्तों एक प्रकार से एब्सोल्यूट एल्कोहल, या फिर आप कहें दोस्तों कंसनट्रेट होता है पूरा का पूरा, यानी कि सांद्र होता है, कंसनट्रेट जो एल्कोहल होता है वही आपका दोस्तों एब्सोल्यूट एल्कोहल कहलाता है। नेक्स्ट देखता है दोस्तों आपको पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल क्या होता है दोस्तों, जो पावर एल्कोहल होता है
यहाँ पर आपका आता है दोस्तों पेट्रोल और प्लस एल्कोहल, या फिर आपके हैं एथेनॉल, यानी एथेनॉल और पेट्रोल को दोस्तों आप मिलाते हैं, और साथ में कुछ यहाँ पे दोस्तों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी होता है। हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिला हुआ जो कंपाउंड होता है उसको आप हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एथेनॉल और पेट्रोल, मेनली दोस्तों यहाँ पर पेट्रोल और एथेनॉल होता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे ऑप्शन नंबर आपका पावर एल्कोहल का दोस्तों पेट्रोल और एथेनॉल हो जाएगा। वैसे आपको दिया शुगर फर्मेंटेशन, शुगर के फर्मेंटेशन से क्या बनता है दोस्तों आपको मालूम होगा। यदि आप शुगर का फर्मेंटेशन करें, फर्मेंटेशन यानी कि दोस्तों आप किण्वन करें, इसके बाद क्या बनता है दोस्तों, इसके बाद आपका बनता है एथेनॉल या फिर आपका है एथिल एल्कोहल और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेनली आप कह देंगे दोस्तों एल्कोहल बनता है। तो यहाँ पर आप देखिए एल्कोहल आपको दिया है, तो यहाँ पर आप क्या मिलान कर देंगे दोस्तों, रेक्टिफाइड स्प्रिट का यहाँ पर हो जाएगा एथेनॉल और वाटर, एब्सोल्यूट एल्कोहल का हो जाएगा 100% कंसनट्रेट एल्कोहल, और पावर एल्कोहल का हो जाएगा पेट्रोल प्लस एल्कोहल, और शुगर फर्मेंटेशन का हो जाएगा दोस्तों एल्कोहल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच वन इज इनकरेक्ट, यानी आपको बताना है निम्न में से कौन इनकरेक्ट है। पहला आपको दिया दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर आप जानते होंगे दोस्तों जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका यूज दोस्तों वाटर के प्यूरिफिकेशन में होता है, यानी कि पानी को शुद्ध करने में होता है। तो इसका फॉर्मूला यदि आप देखें तो ये आपका होता है दोस्तों CaOCl2 कहते हैं, या फिर आप कहते हैं इसको CaClO का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो पहला वाला आपका यहाँ पर राइट दिया है। नेक्स्ट आपको दिखता है दोस्तों जिप्सम, जिप्सम आप जानते हैं दोस्तों ये आपका होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं यानी कि 2H2O होता है। तो यहाँ पर आपको दिया है जिप्सम, आपका राइट है। नेक्स्ट आपको दिया दोस्तों मार्बल, मार्बल जो होता है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट को आप कहते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर आपको मार्बल में दिया है, तो ये भी आपका राइट है। नेक्स्ट आपको दिया है ग्रेनाइट, यदि आप बात करें दोस्तों ग्रेनाइट की, ग्रेनाइट जो होता है दोस्तों यह मिक्सचर होता है एक प्रकार से सिलिका का, यानी SiO2 सिलिके का दोस्तों, और एल्यूमिना का। एल्यूमिना क्या होता है दोस्तों, Al2O3 होता है एल्यूमिना। तो एल्यूमिना और सिलिका का दोस्तों क्या होता है, मिक्सचर होता है, या फिर आपके यहाँ एलॉय होता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों ग्रेनाइट का यहाँ पर आपको दिया है सिलिका और आयरन ऑक्साइड, तो ये आपका राइट नहीं होगा, यानी कि रॉन्ग होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपका एल्यूमिना होना चाहिए। जो यहाँ पर आपको दोस्तों Fe2O3 दिया है, यानी कि आयरन का जो ऑक्साइड दिया है दोस्तों, यह एक प्रकार से क्या होता है, हेमेटाइट होता है। हेमेटाइट आप जानते हैं आयरन का दोस्तों एक प्रकार से क्या है, और होता है, या आप कहें दोस्तों मिनरल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में कौन एक समांगी मिश्रण है, यानी आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। यदि आप बात करें दोस्तों मिक्सचर की, यानी मिश्रण की आप बात करें, तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है दोस्तों होमोजीनियस, यानी कि आप समांग मिश्रण कहते हैं आप इसको, और दूसरा आपका होता है नॉन होमोजीनियस, या फिर आप कहें दोस्तों हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस यानी कि आपका विषमांग मिश्रण आप कहते हैं, विषमांग कहें या फिर दोस्तों आप असमांग कहें, ये मिश्रण कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में अंतर क्या होता है दोस्तों, यदि आप बात करें होमोजीनियस की, आप बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले लें, यदि आप दोस्तों वाटर के साथ में, यहाँ पर आपने बीकर में वाटर लिया यानी जल को लिया दोस्तों, और आपने मिला दिया शुगर को, यानी कि आपने चीनी को मिला दिया, तो आप जानते हैं शुगर एक बहुत ही अच्छा विलेय होता है दोस्तों, जो कि जल में आराम से घुल जाता है। तो यहाँ पर घोलने के बाद में आप शुगर को वाटर से सेपरेट नहीं कर पाएंगे, यानी आप देखेंगे दोस्तों जो सॉल्यूट और सोलवेंट हैं, यानी जो विलायक और विलेय हैं दोस्तों, आराम से घुल जाते हैं, यानी एक प्रकार से आप कहेंगे यहाँ पर दोस्तों यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाती है, कंपोजिशन, या फिर आप कहें दोस्तों पूरे सॉल्यूशन में एक प्रकार की आपको समान कंपोजिशन दिखती है, समान प्रकार से मिल जाते हैं। तो इसी को दोस्तों आप होमोजीनियस कहते हैं, यानी बाद में आप उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप बात करें दोस्तों हेट्रोजीनियस की, यानी विषमांग की, तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर लें मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर को आप ले लें, यानी आप पानी को दोस्तों और वाटर, और यहाँ पर दोस्तों आपने सैंड यानी कि रेत को मिला दिया,
तो वहाँ पर आप देख पाते हैं दोस्तों, आप रेत को आराम से पानी पानी से अलग कर पाएंगे। आप मिला तो देते हैं लेकिन बाद में वो दोस्तों नीचे रेत बैठ जाती है, जैसे आप छोड़ेंगे तो आप रेत को नीचे बैठा पाएंगे। दैट मीन्स क्या है दोस्तों, ये आपका हेट्रोजीनियस यानी कि एक प्रकार से विषमांग मिश्रण है। वैसे आप बात करें दोस्तों यहाँ पर आयरन नेल की बात करें तो यहाँ भी आपका एक प्रकार से विषमांग होता है यानी हेट्रोजीनियस होता है। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं दोस्तों, पहला वाला जो आपका शुरू वाला दिया है मिक्सचर ऑफ मेथेनॉल, मेथेनॉल भी दोस्तों क्या है एक प्रकार से, यह भी दोस्तों एक प्रकार से यहाँ पर लिक्विड के फॉर्म में होता है और आप H2O के साथ में मिलाते हैं तो आराम से मिल जाता है, यानी बाद में दोस्तों आप इनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो यह एग्जाम्पल होता है होमोजीनियस मिक्सचर का, तो ऑप्शन नंबर आप ए वाले में टिक कर देंगे, होमोजीनियस। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, Na2S2O5 इज यूज एज, यानी आपको बताना है जो यहाँ पर आपको दिया दोस्तों Na2S2O5, इसको आप कहते हैं दोस्तों सोडियम सोडियम मेटा बाई सल्फाइड, सल्फाइड आप कहते हैं इसको। यानी दोस्तों यहाँ पर आपका जो Na2S2O5 दिया है इसका यूज़ कहाँ पर होता है आपको बताना है, यानी इसका प्रयोग दोस्तों कहाँ पर होता है। इसका प्रयोग यहाँ पर होता है दोस्तों एंटी फंगल के तौर पे, यानी एक प्रकार से कवक रोधी के तौर पे, और यूज़ होता है एंटी बायोटिक के तौर पे, या फिर आप कहें दोस्तों एंटी बैक्टीरियल के तौर पे, यानी एक प्रकार से आप कहेंगे जीवाणु रोधी के तौर पे यूज़ होता है। यानी एक प्रकार से आप कहेंगे दोस्तों ये बैक्टीरिया की और फंग की ग्रोथ को रोकता है। आप इसका यूज़ करते हैं एज अ फूड एडिटिव के तौर पे, फूड एडिटिव के तौर पे, यानी कि खाने में भोज्य पदार्थ में दोस्तों आप इसको मिलाते हैं ताकि उन पर दोस्तों फंग ना लगे यानी कि कवक ना लगे, और या उन पर दोस्तों कोई जीवाणु से होने वाला संक्रमण ना हो। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों एंटी फंगल और एंटीबायोटिक, ऑप्शन नंबर आपका डी वाले में दिया है ये और भी दोनों, तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे डी वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच वन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू बेबी सिंड्रोम। यहाँ पे देखिए दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है यह दोस्तों एक प्रकार की बीमारी है जहाँ पे दोस्तों शरीर में नीले नीले दाग हो जाते हैं, नीले दाग आपको दिखते हैं, तो इसका रीज़न क्या होता है आपको बताना है, यानी इसका कॉज क्या होता है। इसका कॉज मेनली होता है दोस्तों यहाँ पे नाइट्रेट, यानी जब आप दोस्तों नाइट्रेट को ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, ज़्यादा अमाउंट में बॉडी में जाता है तो ये क्या करता है दोस्तों, आफ्टर डाइजेशन या फिर आप कहें आफ्टर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये दोस्तों आपका नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। और नाइट्राइट क्या करता है दोस्तों, जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि जो रक्त में दोस्तों आप जानते हैं हीमोग्लोबिन होता है, और जब आप O2 को मिला दें वहाँ पर तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों नाइट्राइट जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्शन करता है, इसके साथ में रिएक्शन करने के बाद दोस्तों ये बनाता है मैथेमो हीमोग्लोबिन, और जो मैथेमो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों ये ऐसा हीमोग्लोबिन होता है जो कि एक प्रकार से O2 को कंटेन करने में अक्षम होता है, यानी कि सक्षम नहीं होता, यानी यहाँ पर कहेंगे आप जो मैथेमो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों ये O2 को कंटेन नहीं करता, या फिर आप कहें दोस्तों कंटेन करने में कैपेबल नहीं होता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो टिश्यू होता है उसको O2 नहीं मिल पाता और वो डिप्राइव हो जाता है, यानी एक प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों वहाँ पर जो ऊतक होता है टिश्यू होता है वो दोस्तों नीले रंग का वहाँ पर हो जाता है, यानी एक प्रकार से आपको दोस्तों बॉडी क्या दिखती है एक प्रकार से वहाँ पर नीली दिखती है, तो यही रीज़न एक प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आपने मुख्य कॉज क्या देखा दोस्तों, नाइट्रेट होता है जो कि शुरुआत में नाइट्रेट होता है, बाद में अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में नाइट्राइड में कन्वर्ट होता है, और हीमोग्लोबिन के साथ में, या फिर आप कहें ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कि दोस्तों एक प्रकार से O2 के साथ वाला हीमोग्लोबिन होता है, उसके साथ रिएक्शन करने के बाद में मैथेमो हीमोग्लोबिन बनाता है और वहाँ पर दोस्तों नीला दाग आपको दिखता है। तो ऑप्शन नंबर आप बी वाले में टिक कर देंगे, नाइट्रेट में। तो यहाँ तक दोस्तों आप क्वेश्चन को तैयार करेंगे, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, और यदि आपको दोस्तों कोई कन्फ्यूजन हो यहाँ तक तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो सके, और यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करें शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। ओके थैंक्स, जय हिंद जय भारत।